We love PCCS and Murphy loves his city fam. प्रत्येक ॲनिमलला पाहिजे ती नेसेसरी असलेली सगळी जी सर्विस आहे एकाच ठिकाणी एका फ्लोअरच्या खाली आणि कमीत कमी पैशामध्ये कशी मिळेल याच्या मागे आमचा तो हेतू होता आणि त्यासाठी आम्ही ही कॅपॅसिटी चालू केली. माय डॉग इज ट्रीटेड वेल. जब भी वो उसको कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है हम हमें ये रहता है तसल्ली की नहीं हम PCCS जाएंगे तो वहां पे हमें क्योर हो ही जाएगा हमारा बेबी. आज मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के एक इवेंट में. मेरी फ्रेंड डॉक्टर सिद्धि धर्मा राय बोले इज अ वेरी रिनाउंड एनिमल डॉक्टर जिसे हम कहते हैं वेटरनरेरियन. शी इज अ वेटरनरेरियन और उसका आज एक इवेंट है कल्याण में. हम वहाँ जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं. बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू बी अराउंड अ लॉट ऑफ लवली 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 एनिमल्स and it's going to be fun. So let's go. PCCS आने का रास्ता बहुत सिंपल है. अगर आप कल्याण स्टेशन से आ रहे हो तो आपको दिखेगा ये जिसको बोलते हैं शिवाजी चौक. शिवाजी चौक से आपको सीधा आना है तिलक चौक के लिए जो रास्ता जाता है उसकी तरफ. KDMC की बिल्डिंग क्रॉस करने के बाद दो रास्ते आएंगे. एक जाएगा ओल्ड मार्केट में और एक जाएगा टूवर्ड्स तिलक चौक. तो आपको तिलक चौक वाला जो राइट टर्न आएगा वहाँ से राइट लेना है. ये रामदेव मेडिकल से आपको लेफ्ट लेना है और अन्नपूर्णा होटल के एग्जैक्ट सामने आपको दिखेगा वो रहा वहाँ पर ये PCCS सर्जिकल सेंटर बाय डॉक्टर सिद्धि धर्मा राय बोले. तो आज हम हैं PCCS एनिमल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सिद्धि और धर्मा का एनिमल हॉस्पिटल है यहाँ पर कल्याण में. और अब हम मिलेंगे प्रतीक से जो यहाँ पर एक स्टाफ है और वो हमें दिखाएंगे कि इनके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो चलिए अंदर. जस्ट कम इनसाइड. जैसे कि आप प्लेस करते हैं यहाँ भी डॉग्स के जो एसेसरीज है बहुत सारे वो है. चोक चेन्स, हार्नेस, बाद में बेल्ट है, उनके टॉयज है बहुत सारे एक्सेट्रा. वो जो है देख सकते हैं. जैसे कि ऑल्टरनेट साइड में आप देख सकते हैं जैसे कि कैट्स और डॉग्स के स्पेसिफिक बहुत सारे ट्रीट्स है. सिद्धि के क्लिनिक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये क्लिनिक जैसे ही आप एंटर करते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. तो यहाँ पर डॉग्स और उनके ओनर्स चाहे लार्ज ब्रीड्स हो या स्मॉल ब्रीड्स हो बहुत ही कंफर्टेबली वेट कर सकते हैं. इतना स्पेशियस इनका वेटिंग रूम्स है. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ पर इस तरफ था एंट्रेंस और एंट्रेंस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है. तो अगर एक टाइम पे बहुत सारे डॉग्स हो, कैट्स हो, लार्ज ब्रीड्स हो, उनके साथ उनके ओनर्स हो तो बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पर वेट कर सकते हैं. मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाथिंग टब. काफी बड़ा और स्पेशियस बाथिंग टब है जिसके साथ हॉट और कोल्ड वाटर की फैसिलिटी
अवेलेबल है और बहुत सारे वाइड वैरायटीज के शैम्पूज और कंडीशनर है, चाहे आपका डॉग हेयरी फर का हो या थिन फर का, लार्ज ब्रीड हो या स्मॉल ब्रीड, बहुत अच्छे से उसको वॉश मिलेगा यहाँ पर और ग्रूमिंग की जाएगी। ये है हमारे ग्रूमर चेतन, जो काफ़ी साल से सिद्धि के टीम के साथ जुड़े हुए हैं और हर तरह से उन्होंने यहाँ पर इस क्लिनिक में काम किया है। का सेकेंड पार्ट है हमारा है फूड सेक्शन, जहाँ आपको हर एक कैट डॉग के लिए फूड, जैसे कि फिश का भी फूड हमारे पास अवेलेबल है, रैबिट्स का है। एक पेट पेरेंट होने के नाते जरूरी नहीं है हर बार कि मेरे पास सिर्फ डॉग या कैट हो, यहाँ मेरे पास किसी भी तरह का पेट हो सकता है। तो ये क्लिनिक इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पेट्स का फूड मिलता है, चाहे आपके पास डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, चिपमंक हो, किसी भी तरह का पेट हो, उनका फूड और उस फूड में भी अलग अलग वैरायटीज और क्वालिटीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके डॉग्स का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है और क्लिनिक में आने के लिए हर वक्त एक झिझक सी होती है क्योंकि सिर्फ एक वैक्सीन के लिए आपको वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशली एलोकेटेड और डेडिकेटेड स्पेस है सिर्फ और सिर्फ ये रही सिर्फ और सिर्फ आपके बेबीज के वैक्सीनेशन के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बाकी डॉग्स के साथ वेट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स खुद आकर आपके बेबी को अटेंड करेंगे और वैक्सीनेशन हो जाएगा। बेसिकली ये टेबल का हमको यूज ऐसे होता है कि ये टेबल पे कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, जैसे ये और एक मेटल का है, तो उनमें हम लोग जो वायरल इन्फेक्शन आते हैं डॉग या कैट, तो इस टेबल को हम लोग को फायर करना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे कि ये सैनिटाइज हो गया और इसमें बैठा हुआ किसी पपी और कैट का वायरल इन्फेक्शन किसी अदर को पास आउट ना हो इसके लिए। और ये अपने यहाँ वेट मशीन है छोटा सा, जैसे कि यहाँ कैट और डॉग जो भी आते हैं तो उनका वेट होता है यहाँ। और आपने एक ओपड़ी तो देख लिया, अपना दूसरा ओपड़ी भी दिखा। आपण जर बघितलं तर WBC 6 आहे, ज्याच्यामध्ये RBC 4.6 झालेलं आहे, हिमोग्लोबिन इज 1.4, सो आय गेस प्लेटलेट कमी असल्यामुळे कदाचित टिक फिवर असू शकतो, सो टिक फिवरसाठी मग RLDS पॉलिसी OTC। सो पेट केयर एंड केयर सर्जिकल सेंटर में ये हमारा लेबोरेटरी फैसिलिटी है जिसमें हम सारे डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट करते हैं। सबसे पहला है माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हम स्किन स्क्रेपिंग चेक करते हैं जब हमें लगता है कि फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, यहाँ पे हम सीरम सैंपल प्रोसेस करते हैं मशीन में प्रोसेसिंग करने से पहले। दिस इज एक्सरे, यहाँ पे हम एक्सरे शूट करते हैं, ये हमारा एक्सरे कैसेट है, यहाँ पे एनिमल रहता है, जो पोर्शन हमें इमेजिंग करना है वो यहाँ पे हम रख के एक्सरे शूट करते हैं। फिर ये प्लेट इस मशीन में जाती है जहाँ पे एक्सरे लोड होता है एंड स्क्रीन पे हमको एक सॉफ्ट कॉपी दिखती है, यही सॉफ्ट कॉपी हम पेरेंट्स को ईमेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा CBC मशीन जहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये है LFT-KFT मशीन जहाँ पे हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, फॉस्फरस, ये सारे टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये इसका यूज़ ऑपरेशन में इसके लिए होता है, जब बहुत ब्लीडिंग हो तो हम इसे इलेक्ट्रिक मेथड से कॉटरी करते हैं, यानी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करते हैं। फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ
कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हम अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी है जिसमें एक्सटर्नल फिक्सेशन यानी बाहर से रॉड डाली जाती है, या फिर इंटरनल फिक्सेशन जहाँ पे प्लेट बिठाई जाती है, या फिर कोई छोटा से छोटा ट्यूमर जैसे वॉर्ट हो या बहुत बड़ा ट्यूमर जैसे स्प्लेनिक मास हो। तो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। हमारे सर डॉक्टर धर्मराज राय बोले बहुत ज़्यादा अच्छा सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अंडर हम सारे काम करते हैं। सो कोई क्रिटिकल केस हो या इमरजेंसी हो तो हम तुरंत भी कभी कभी ऑपरेटिव प्रोसीजर प्लान कर लेते हैं। अभी हमने पूरा PCCS क्लिनिक देखा, यहाँ के अलग अलग एरियाज देखे, अब हम सीधा जाते हैं और मिलते हैं यहाँ की सीनियर डॉक्टर्स से, जो है डॉक्टर सिद्धि और डॉक्टर धर्मा राय बोले। ओके, तेव्हा यांनी स्टार्ट केलं 2014 14th April ह्या 14th April 8 years होते PCCSला। सो वी हॅड अ व्हेरी स्मॉल सेटअप ज्याच्यामध्ये फक्त एक टेबल होता, ओके एक डॉक्टरचा टेबल होता आणि बाहेर एक छोटासा पेट शॉपचं मी थोडंसं आम्ही काही 2-3 ब्रँडचे फूड्स ठेवले होते। तर ही स्टार्टेड अँड देन आय म्हणजे मी इव्हनिंग टाईम्सला येऊन थोडंसं हेल्प करायची सेटलमेंटमध्ये वगैरे। वी स्टार्टेड विथ 2-3 पेशंट्स, कधी कधी पेशंटही नसायचे, असेच आम्ही बसायचो, पण आम्ही त्या टायमाला ट्राय करायचो की ॲटलीस्ट वी हॅव टू सिट, की हा आपला टाईम आहे, पेशंट येऊ न येऊ वी हॅव टू सिट। तर ते कंटिन्यू व्यवस्थित करायचे, एकही दिवस सुट्टी न घेता। सो एक महिना झाला, 2 महिना झाला, 3-4 महिन्यामध्ये वी स्टार्टेड विथ 6-7 पेशंट्स, 6-7 पेशंट्स पर डे यायला लागले। मग हळूहळू इट वेन टू 10 पेशंट्स, मग 15 पेशंट्स पर डे। सो अशी आमची बेसिक OPD जी होती 6 to 10:30 to 11 जी होती ती 15-20 तेव्हा असायची पेशंट। वी स्ट्रगल्ड अ लॉट त्या स्टार्टिंग फेजमध्ये, माझ्याकडे फक्त एकच लेडी होती हँडल करायला तिथेच, प्लस माझे वॉर्ड बॉयज पण नव्हते तेव्हा, फक्त एक बाई यायची क्लीन करायला, कधी कधी बाई नाही भेटायची, तिथे क्लिनिंगही आम्ही स्वतः करायचो, मॅनेजमेंट स्वतः करायचो, पेट शॉपचे 2-3 जण यायचे, त्यांना फक्त हां हे फूड करायचं आहे, ओनर आम्हाला येऊन स्वतः रिक्वेस्ट करत होते की मॅडम आता थोडा त्रास होतो उभं राहायला, गर्दी होतीये, थोडंसं मोठं घ्या। बट वी वर स्टील स्ट्रगलिंग की ओके थोडं वाट बघूया, थोडं सेटलमेंट होऊ द्या। आय वॉज इन बॉम्बे फॉर माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन, मग तिथे तिकडून तिकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं सगळं मॅनेज करून, प्लस इकडे सगळं मॅनेज करून, वी वर मॅनेजिंग एव्हरीथिंग, ठीक आहे। तर थोड्या महिन्यानंतर जरा OPD आपली थोडीशी अजून वाढली आहे, सो वी विल गो फॉर 1 more सलाईनसाठी, कारण कसं होत होतं सगळे टेबल्स फुल होत होते टेबल्स वगैरे, सो वी थॉट आपण एक बाजूचं थोडंसं रेंटवरती घेऊन बघूया, तिथे तिथे सलाईनचा सेटअप आणि पेट शॉप थोडंसं आपण वाढवूया। मग तसं करत हे केलं, मग वी वर हँडलिंग टू, मग माझ्याकडे एक ज्युनियर डॉक्टर्स होते त्यांच्यामुळे वी वर लाईक मॅनेजिंग एव्हरीथिंग। मग ती ज्युनियर डॉक्टर मग इकडे आली, मग मॉर्निंगमध्ये ती असायची, आफ्टरनूनमध्ये मी आणि सर, मग इव्हनिंगमध्ये, असं करत आमचा स्टाफ 2-3, 3-4 अँड नाव वी आर 8 staff, 10 staff इन टोटल इन्क्लुडिंग अस। हा सगळा सेटअप जो आहे आज उभा आहे, याच्या मागे आमचा हेतू बेसिकली सर्व्हिस देणं हा प्रायमरी हेतू होता, की बाहेरच्या व्यक्तींना आम्हाला ब्लड सॅम्पल्स द्यायला लागायचे, मग समजा सकाळी ब्लड टेस्ट केली तर आम्हाला ती रात्री ब्लड टेस्टचा रिझल्ट यायचा, काही सॅम्पल्स असायचे असे असायचे की आज आपण ते सॅम्पल कलेक्ट करतो आणि 2 दिवसानंतर रिझल्ट मिळायचे, एक्सरे काढायला दुसरीकडे पाठवावं लागायचं, सोनोग्राफी काढायला मुंबईला पाठवावं लागायचं, आणि अशा अनेक ECG किंवा फिजिओथेरपीज किंवा आणखीन दुसऱ्या काही फॅसिलिटीज ज्या आता सध्या आमच्याकडे अवेलेबल आहेत आणि त्यावेळेला नव्हत्या, तर कुठेतरी हात बांधलेले वाटायचे आणि ॲनिमलला सर्व्हिस देताना कुठेतरी कमी पडल्यासारखं वाटायचं, आणि त्यासाठी आम्ही ही फॅसिलिटी चालू केली की जेणेकरून कल्याण डोंबिवली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील पेशंट्सला, आमच्या ॲनिमल पेशंट्सला कुठेतरी ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस इझिली अवेलेबल व्हाव्या आणि त्या कमी पैशांमध्ये जास्तीत जास्त ॲनिमलपर्यंत आम्ही पोहोचू आणि चांगली सर्व्हिस देऊन एक नोबल कॉजला हेल्प करू असं आम्हाला नेहमी वाटायचं। आज आमचे जे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आहेत, डॉक्टर भैरवी, डॉक्टर समीर, डॉक्टर सिद्धी यांच्या खूप अथक प्रयत्नाने ते सगळं काही आम्ही सर्व्हिसेस आज वाईल्ड लाईफ तसेच लार्ज ॲनिमल्स, गोट्स, त्यानंतर कॅट्स, अगेन स्ट्रे
dogs and cats, again even dogs, breed dogs, ओके असे डिफरंट डिफरंट काइंड ऑफ ॲनिमल्सला आम्ही त्या सर्व्हिसेस इथे देऊ शकतोय आणि त्याचा आम्हाला खूप आनंद होतो आहे की आम्ही आज या स्टेजपर्यंत पोहोचू शकलो आणि याच्या मागे पूर्णतः आमचे जे ॲनिमल्स होते त्यांचा हात आहे. अँड स्टील वी आर फायटिंग, स्टील वी आर बिहाइंड सम थिंग्स जे आम्हाला अचीव करायचे आहेत, जे पुढे जाऊन आम्ही आणखीन या फॅसिलिटीला ॲडव्हान्स करू इच्छितो आणि होप करूया की लवकरात लवकर काही वर्षामध्ये आम्ही आमच्या त्या गोलपर्यंत पोहोचू आणि पेटक्युअर अँड सर्जिकल सेंटरला, पेटक्युअर अँड सर्जिकल सेंटरला एक डे नाईट फॅसिलिटीसुद्धा आम्ही बनवण्याची प्रयत्न करू आणि जास्तीत जास्त सर्व्हिसेस लोकांपर्यंत देऊ. थँक्यू. द डॉक्टर म्हणजे आतापर्यंत मी दोन तीन हे केलं, म्हणजे जवळपास वर्षभर मी येतो इकडे. इकडे आल्यामुळे एक होतोय की यु नो अननेसेसरी काहीतरी मार्केटिंग करायचं म्हणून करत नाही आहे, म्हणजे कोणतरी आला डॉग आणि हे तुमच्यासाठी खूप छान आहे आणि तुम्हाला हे घेतलं पाहिजे बरोबर हे डॉगसाठी आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत यू कॅन से आम्ही त्या डॉग मागे आहे ना महिन्याला जवळपास 20-22,000 रुपये खर्च करत होतो की यु नो इम्पॉर्टंट शॅम्पू पाहिजे इम्पॉर्टंट हे, पण इथे ज्या लेवलने ज्या अँगलने आम्हाला ट्रीट केलं गेलं ना आणि 24/7 ना यू कॅन कॉल एनी टाईम, सिद्धी मॅडम आहे किंवा धर्मा सर आहे, यू कॅन कॉल एनी टाईम. म्हणजे तुम्हाला मला आत्तापर्यंत वाटते की जेवढे जेवढे सिव्हिअर जेवढे जेवढे इश्यूज आले म्हणजे यु नो त्यांना डिसेंट्री चालू झाली, मध्येच एकदम नमनम झाले होते, अनकॉन्शियस झाले होते मध्ये, त्या त्या वेळेला मी रात्री मला आठवतं मी 10:30 कॉल केलेला आहे मॅडमला आणि त्यांनी इझी सोल्युशन म्हणजे पटकन जाऊन तुम्ही मेडिकलमधून हे घेऊन येऊ शकता. नाही तर प्रत्येक वेळेला कसं होतं की आपण एका डॉक्टरला आपण जेव्हा फोन करतो तेव्हा प्रत्येक वेळेला असं होतं की तुम्ही आत्ता इथे घेऊन या. सो इकडे एक क्लिनिक चालवण्यापेक्षा त्या डॉगची केअर कशी घेता येईल, त्या डॉगची काळजी कशी घेता येईल, किंवा तो डॉग आपल्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे त्याला आपण कसं युजर फ्रेंडली आपण घरच्या घरी त्याला हँडल करू शकतो, दिस इज अ खूप छान प्रकारे ड्रॉपला हे केलं जातं ट्रीट केलं जातं. तो आज का ये व्लॉग था PCCS क्लिनिक के बारे में. आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कल्याण में ये क्लिनिक है, आपके पेट्स के साथ यहाँ जरूर विजिट कीजिए. बाय.